फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल इंडियन स्टाइल की बहुत ही ज्यादा टेस्टी मैक्रोनी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। और मैक्रोनी तो बच्चों को वैसे भी बहुत ही ज्यादा पसंद भी होती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैक्रोनी बनाने के लिए ये हमने 2 कप मैक्रोनी लिए। मैक्रोनी आप कोई भी शेप की ले सकते हैं। अब हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए हमने 3 ग्लास पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब ये पानी बॉईल हो गया है। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक डाल देते जिससे कि मैक्रोनी फीकी नहीं लगेगी। 1 टीस्पून ऑयल, इससे ये आपस में चिपकेंगी नहीं। ये जो हमने मैक्रोनी ली थी वो हम इस पानी में डाल देते। अब इसे मिक्स कर देते हैं और 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे बॉईल होने देते हैं। 7 मिनट करीब हो गए। अब ये पास्ता भी बॉईल हो गया है। अब हम इसे चेक कर लेते। देखिए, हम इसे नाइफ से काट रहे हैं तो ये कट रहा है। बस हमें इतना ही इसे बॉईल करना है। इसे ज्यादा बॉईल करेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा। अब फ्लेम को ऑफ कर देते। ये हमने बॉल लिया है, इसके ऊपर हम छलनी को रख देते। अब जो हमने पास्ता बॉईल किया था उसे हम छान लेते। अब ये ओवर कुक ना हो जाए इसके लिए हम इसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल देते। आप देख पा रहे पास्ता बिल्कुल खिला खिला बना है। अब इस पास्ते को हम साइड में रख देते और आगे की तैयारी कर लेते। पास्ता बनाने के लिए पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल देते। एक चम्मच बटर, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और दोनों चीजों को मिक्स कर लेते। अब ये बटर भी मेल्ट हो गया है। हमने 1 बड़े साइज की प्याज ली, जिस छोटे पीस में काट लिया वो डाल देते। अब प्याज को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते। जब तक प्याज भून नहीं है इसी में हम 1 हरी मिर्च डाल देते। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं, या आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसी में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते और सभी चीजों को प्याज के साथ हल्का गोल्डन कलर का होने तक भून लेते। अब ये प्याज भी भुन गई है। प्याज को बस हमें हल्के गोल्डन कलर का ही भूनना है। ये हमने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए, जो छोटे पीस में काट लिया वो डाल देते। टमाटरों को मिक्स कर देते। अब ये टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो इसके लिए हम नमक डाल देते। नमक टेस्ट के अनुसार नमक को मिक्स कर देते। अब ये टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए उसके लिए हम इसे ढक देते और 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देते। 2 मिनट करीब हो गए। अब ये टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें 1 छोटे साइज की गाजर डाल देते जिसे छोटे पीस में काट लिया है। 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च, 3 टेबल स्पून फ्रोजन स्वीट कॉर्न। अब सभी चीजों को मिक्स कर लेते। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डाल लेते। पानी को भी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते। अब इसे ढक देते या 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर सब्जी को पकने देते। हमें इन सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, क्रंची ही रखना है। क्रंची सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। 3 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई हैं। बस हमें इनको इतना ही पकाना है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले में 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्च। अब इसके अंदर हम सॉस डालेंगे। अब इसके अंदर 2 टीस्पून टमाटो केचप डाल देते। 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, सॉस आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें फ्लेवर अच्छा है और ये खाने में भी टेस्टी लगे तो 1/2 टीस्पून सेजमन सॉस डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ओरिगेनो, आप चाहे तो ओरिगेनो की जगह मिक्स हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं।
जो हमने पास्ता बॉईल किया था वो डाल देते और इसे अच्छे से मिक्स कर देते। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देते, धनिया को मिक्स कर देते। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया पास्ता बनके तैयार हुआ है। अब इसे ढक करके 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे और पका लेते हैं, जिससे कि सभी चीज का फ्लेवर पास्ता में अच्छे से आ जाएगा। 2 मिनट करीब हो गए, अब ये पास्ता बनके तैयार हो गया है। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया बना है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा। आप भी इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। और इसे बनाना भी बहुत आसान है, अगर वेजिटेबल आपके पास रखी है फिर तो इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इसे बड़े बच्चे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाना पसंद करते हैं। जब हम मार्केट में इसे खाने जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, क्यों ना हम बहुत कम रेट में घर में ही बना के इसे तैयार करें। ये घर में मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे ये भी बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। अब मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए, देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। बिल्कुल देखते ही हो रहा है ना खाने का मन। जाइए और इसे बनाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपका पास्ता कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।